स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 1,30,000, एक बिजनेस की टोटल एसेट्स जो है वो है 1,30,000 की टोटल एसेट्स है, 1,30,000 की, और इसमें दिया है एंड नेट वर्थ इज 80,000, यानी कि जो उसे नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट वर्थ जो है उसका वो है 80,000 की। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, हमें निकालने हैं इसमें क्रेडिटर्स, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो नेट वर्थ है ये कहां से आया। देखो, नेट वर्थ यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो आता है एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज इक्वल नेट वर्थ। एसेट्स में से क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज घटाने पर हमारा जो है नेट वर्थ आ जाएगा, और नेट वर्थ इसने पहले दिया हुआ है 80,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि एसेट्स में से आप नेट वर्थ घटा दो तो वापस जो है क्रेडिटर्स आ जाएंगे, यानी कि एसेट्स हमारी 1,30,000 की और नेट वर्थ है 80,000 का, तो 50,000 के हमारे क्रेडिटर्स आ गए।